अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों लो जी, आपके लिए लेकर आ गया हूँ मुकम्मल नुस्खा ज़बरदस्त वाला। जिन्होंने बचपन में गलती की है मास्टरबेशन किया या उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से कंडीशन ऐसी हो गई कि एक मिनट भी अपने पार्टनर के सामने नहीं रुक पाते। अजी एक मिनट तो बहुत दूर की बात है, 30 सेकेंड भी नहीं रुक पाते, यूँ ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। गलती बचपन में हाथ चलाया जिसकी वजह से मनामर्दी आ गई है और जिद इच्छा नहीं करती। अगर इच्छा करती है तो तनाव नहीं आता, ये तनाव स्टैंडिंग आती है तो 1-2 सेकंड में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं या 1-2 मिनट में हो जाते हैं। ये कुछ तो ऐसे भी हैं जो बाहर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऐसे भी हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मुकम्मल नायाब तोहफा आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों ये नुस्खा चलिए जान लेते हैं कौन सा नुस्खा है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, क्या तरीका है। आइए सारा मैं आपको बताता हूँ इलाज कैसे करना है। तो दोस्तों ये बताने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप नुस्खे के बारे में सुन लीजिए, फिर मैं इलाज का आपको मुकम्मल तरीका बतलाऊँगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है सुन लीजिए। आपको लेनी है मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, असगंधना गोरी लेनी है आपको 50 ग्राम, सतावर आपको लेना है 50 ग्राम, मगज कोंच आपको लेना है 50 ग्राम, छुआरे बगैर गुठली के आपको लेने हैं 50 ग्राम, किशमिश आपको लेनी है 50 ग्राम, मगज पिस्ता आपको लेना है 50 ग्राम, बादाम आपको लेने हैं 50 ग्राम, सौंठ लेनी है आपको 50 ग्राम, काली मिर्च आपको लेनी है 30 ग्राम, सब्ज़ इलायची हरी इलायची आपको लेनी है 30 ग्राम, कोज़ा मिश्री इसमें आपको मिलानी है 200 ग्राम। ये सारी दवाइयाँ पंसारी के यहाँ से लाकर कूट पीस कर बारीक बिल्कुल पाउडर कर लीजिए या वहीं मशीन पर पाउडर बना कर लाइए, ठीक है। और इसको इस्तेमाल का तरीका आप सुन लीजिए। इस्तेमाल का तरीका, 1 चम्मच सुबह में निहार मुँह खाली पेट दूध से लेना है, 1 चम्मच रात में खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दूध से लेना है, और तमाम तली भुनी चीज़ों गर्म चीज़ों गोश्त अंडा मांस मछली चाय खट्टी तमाम का परहेज़ करना है, और नसों की जो परेशानी उसके लिए आपको तेल इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, आप इसको असली नहीं मिलेगा नहीं बना सकते, तो बना बनाइए नुस्खा हमारे से लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑनलाइन घर बैठे दवाई मंगाइए, मुकम्मल कोर्स कीजिए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। मुकम्मल कोर्स कीजिए और दोस्तों घर बैठे अपना इलाज कीजिए, बना बनाया नुस्खा बने बनाया तेल। मुकम्मल कोर्स मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, बात कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। उम्मीद करता हूँ नुस्खा अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।